हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनके पास बीटेक की डिग्री है। जी हाँ, बीटेक की डिग्री जिनके पास है, जो इंतज़ार कर रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी की, सहायक अभियंता भर्ती की, ताकि वो अपनी योग्यता साबित कर पाएँ, वो एक मौके की तलाश में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे तो हमें जानते होंगे, हम सब ने पास्ट में बहुत सारा कोशिश किया हुआ है इंजीनियरिंग वैकेंसी को लेकर के, फेयर प्रोसेस को लेकर के। यदि आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़े हैं तो भी आप हमें जानते होंगे कि किस तरीके से हमने काम किया हुआ था। तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट को लेकर के, वीडियो बनाते आ रहे थे, तो 29 दिसंबर 2021 को जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई थी। उस समय सीटों की संख्या UDIG डिपार्टमेंट 188 थी सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। उसको बढ़ा करके बाद में लेटर के माध्यम से चिट्ठी दे करके हमने रिक्वेस्ट किया था, दबाव बनाया था कि बढ़ाया जाए, ताकि एक बार ज़्यादा बल्क में वैकेंसी आए और जितने भी कैंडिडेट थे उनको ज़्यादा मौका मिले। मतलब सीटों की संख्या ज़्यादा होती है तो कैंडिडेट तैयारी भी अच्छे तरीके से करते हैं और मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाता है, तोड़ तोड़ के निकाला जाता है। तो फिर कुछ ही चुनिंदे बच्चे हर साल मतलब निकलते हैं, और हर साल निकलता झारखंड में वैकेंसी, तो इस तरह का चीज़ हमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन हर साल नहीं निकलती, इसलिए हमें यहाँ पे कोशिश करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो JEE में आपने देखा कि सीट का संख्या बढ़ाया गया था, 1268 हुआ था तीसरी बार में बढ़ करके। पहली बार तो पेपर लीक के कारण कैंसिल, दूसरी बार नियोजन नीति के कैंसिल, और तीसरी बार परीक्षा हुई थी तो उसमें परीक्षा ऑनलाइन करवाने के लिए भी हमें मशक्कत करना पड़ा था, ताकि TCS जैसी संस्था से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो। बहुत सारा शिफ्ट में हुआ था, फिर भी TCS से कंडक्ट हुआ। कंडक्ट होने के बाद धरना देना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। आप सब वीडियो के माध्यम से देख चुके होंगे, मीडिया में देख चुके होंगे, प्रिंट मीडिया के जरिए भी आप सब ने देखा होगा, तो उतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कुछ बताना पड़ता है ताकि आप इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियस लें, ठीक है। अब उस समय आंदोलन हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद सिविल का आ गया। सिविल में भी कुछ पेंडिंग्स है जिसका रिजल्ट आना बाकी है, उसके लिए भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अभी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया गया, कुछ डिपार्टमेंट का UDIG डिपार्टमेंट का कल पोस्टिंग से रिलेटेड उनके संबंधित विभाग को भेज दिया गया रिकमेंडेशन लेटर कि हाँ अब आगे का प्रोसेस पूरा किया जाए। तो ये सब है, चल ही रहा है मैकेनिकल में। अब पेंडिंग जो बचा हुआ है कुछ, तो उसके लिए भी आगे प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन उधर का प्रोसेस तो चल ही रहा है और जारी रहेगा। अब क्या है कि आगे, ठीक है, यदि आप बीटेक किए हुए हैं तो अब आपको क्या चाहिए, तो सहायक अभियंता की भर्ती चाहिए, तब आप अपनी योग्यता साबित करके सेवा दे पाएंगे झारखंड सरकार को। यदि आप झारखंड के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, यदि आप बिहार के हैं तो भी ज़रूरी, यूपी के हैं तो भी ज़रूरी, भारत के किसी भी कोने के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सहायक अभियंता की अंतिम भर्ती कब आई थी, तो 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, 5/2019, ठीक है, उसके बाद अभी तक नहीं आया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, छोटा सा मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में देने के लिए, तो वही वाला पढ़ के बता देता हूँ, तो ऊपर ऊपर का आइडिया लग जाएगा। इसके बाद डिटेल में आपको नीचे इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे झारखंड के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट JPSC सहायक अभियंता का विज्ञापन देखने के लिए 2019 के बाद से ही इंतजार कर रहे हैं। ज्ञात हो सहायक अभियंता की अंतिम भर्ती असैनिक और यांत्रिक विभाग 2019 में आई थी, 5 साल बीत गए, अभी तक असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती नहीं आई है, जबकि माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी द्वारा 22 दिसंबर 2021 को, देख लीजिए 2021 को उन्होंने विधानसभा में विज्ञापन जारी करने की घोषणा की थी। लेकिन अब तो सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, एकदम खत्म हो जाएगा, और नियुक्ति का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में झारखंड के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आए दिन कभी विधायक, कभी मंत्री, तो कभी कार्मिक कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, हम लोग लगाते रहते हैं ताकि वैकेंसी जल्दी आए, लेकिन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला, ताकि कम से कम JPSC सहायक अभियंता का विज्ञापन देखने को मिल जाए। पर राज्य के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ऐसा लगने लगा है जैसे उन्हें छला जा रहा है, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर सारे अभ्यर्थी बीच बीच में ट्विटर कैंपेन भी करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, अब बने रही, ताकि आला कमान के पास उनकी बात पहुँचे और संबंधित विभाग सहायक अभियंता भर्ती का विज्ञापन दे दें। तो अंतिम भर्ती 2019 में आई थी, 22 दिसंबर 2021 को माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी के द्वारा विधानसभा में कहा गया था, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई।
तो उस समय क्या कहा गया था पेपर कटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को थोड़ा ऑथेंटिक मान सके। 818 अभियंताओं का नियुक्ति होगी बादल पत्रलेख, ठीक है। सदन में मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया राज्य सरकार 369 कनी अभियंता जेई और 449 सहायक अभियंता की बहाली के लिए JPSC को प्रस्ताव भेजा है। सहायक अभियंताओं की नियुक्ति कर इसकी कमी दूर करेगी। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सदन में मामला उठाते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग में अभियंताओं की भारी कमी है। 2014 में ही सरकार ने नियुक्ति के लिए JPSC को रिक्तियों पर प्रस्ताव भेजा है। यह नियुक्ति कब तक होगी? सरकार की ओर से कहा गया कि नियुक्ति जल्द होगी, ठीक है। तो ये कब का था? ये था, आप डेट देख लीजिए, 22 दिसंबर 2021 को सदन में कहा गया था। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी तो 29 दिसंबर को आ गई थी, मतलब आप देख रहे हैं 7 दिन के बाद जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई। फिर वैकेंसी तो पहले कम आई थी, लेकिन वैकेंसी आने के बाद उसमें सीट का एडिशन होता है, फिर बढ़ते बढ़ते 1268 हो गया था सिविल में और टोटल 1562 हो गया था। शुरू तो कम से हुआ था, लेकिन एक बार जब वैकेंसी निकल जाती तो उसमें सीट ऐड हो जाता है। तो JEE की तो भर्ती आ गई, JEE का रिक्रूटमेंट भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया, सैलरी भी मिल गया किन्हीं को 3 महीने का, लेकिन बचा क्या है? तो असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती के बारे में उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम सब हैं यहाँ पे, आगे क्या करेंगे, क्या करते आए हैं आपको पता चलेगा, आपको भी इसमें थोड़ा साथ देना है। तो इसके लिए 3-4 तरीके होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। पहला तरीका, आप ऑफलाइन विजिट करें, कार्मिक में विजिट करें, संबंधित विभाग में जल संसाधन, पथ निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, ये सब में विजिट होते रहता है बीच बीच में। उसके बाद जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं जो आपके एरिए से आते हैं, या फिर कुछ ऐसे मंत्री जो कि उसी विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी मिला जा सकता है, और मुख्यमंत्री साहब से भी। जूनियर इंजीनियर में हम सब ने मुख्यमंत्री साहब से भी डायरेक्ट मिल करके बात रखा था, तो वहाँ पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा था, वो हुआ। अब बारी है असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में चर्चा करने की और कोशिश करने की, ठीक है। तो ये झारखंड सरकार का प्रोजेक्ट भवन है, यहाँ पे भी रेगुलरली विजिट करते रहना होता है। तो ये प्रधान सचिव को लेटर दिया गया था ताकि जो अंतिम भर्ती आई थी 5/2019 विज्ञापन संख्या, उसके बाद कोई नहीं आया है। अब यहाँ पे 22 दिसंबर 2021 को विधानसभा में 449 AE वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि JPSC को अधियाचना भेज दिया गया कि नहीं आया है। तो उसके बाद से भी डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट हुआ है, कोई छोड़ दिए हैं, तो ये जो है 449 ये तो है ही, इसके बाद भी आपको कुछ और संख्या देखने को मिलेगा जब भर्ती आएगी, ठीक है। तो इसलिए लेटर रेगुलरली देते रहना पड़ता है। उसके बाद आगे क्या करना है, एक और तरीका होता है। पहला, आप तो लेटर दें सब जगह, मतलब लेटरबाजी करें, पत्राचार करें। उसके बाद राइट टू CM करके एक पोर्टल आता है, वहाँ भी लिखना पड़ता है आपकी जो मांग है। ये भी आगे की कोई वीडियो में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के कम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे तो आपको समय समय पता चलते रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा, आपका सारा दिक्कत वहाँ पे दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब यहाँ पे देख लीजिए फिल करना होता है, तुरंत हो जाता है ये। उसके बाद सीटों की जो एग्जैक्ट संख्या अभी, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ में जो कार्यरत बल है अभी जो काम कर रहे हैं, उसमें से रिक्त पदों की कितनी संख्या है अलग अलग विभाग में, उसके बारे में भी जानकारी मांगा गया। हमारे तरफ से RTI किया गया, बहुत सारा RTI किया गया, अलग अलग विभाग को, तीनों विभाग को, चारों विभाग को, समझ लीजिए। तो पहले तो तीन विभाग, तो पेरेंट डिपार्टमेंट RCD हो गया, तो RCD में किया गया, जल में किया गया, पेयजल में किया गया, और UDHD में भी किया गया, क्योंकि UDHD की भी अंतिम भर्ती आई थी 2018 वाला में, 8/18। उसके बाद उसमें से कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिए तो वो सीट तो बचा हुआ है, तो उसमें भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने RTI किया था, तो ये देख लीजिए पेयजल के तरफ से RTI का जवाब आया था। तो यहाँ पे क्या आया, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय, ठीक है। तो उपयुक्त विषयक आपका सूचना वेदन दिनांक 0 विभाग में पटल पर दिनांक 28/5/2024 को प्राप्त है। तो पहला जो जवाब है यहाँ पे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता असैनिक के स्वीकृत पदों की संख्या 132, ये टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, 132। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, सहायक अभियंता असैनिक के कार्यरत बल की संख्या 85, जो अभी काम कर रहे हैं 85 है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सहायक अभियंता असैनिक सीधी भर्ती के लिए सीटों की संख्या। तो दो तरह से रिक्रूटमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक होता है बाय प्रमोशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 82 है, तो आप 132 में 82 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बाकी सब प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग असैनिक अभियंत्रण की अधियाचना जो JPSC को भेजी गई है की संख्या अभी अधियाचना प्रेषित नहीं की गई, मतलब अभी JPSC को टाइप करके नहीं भेजा गया, दबाव बना रहा, कोशिश करते रहे तो फिर आ जाएगा। अब ये जो 85 है, ठीक है, ये तो हो गया सीधी भर्ती के लिए, लेकिन अंतिम जो वैकेंसी आई थी यहाँ पे 5/5/2019 में, उसमें 26 सीट था। ठीक है, तो आप 82 में 26 घटा दीजिए, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसके लिए आएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं पिछली बार इस विभाग में जितनी सीट आई थी तो इस बार उससे ज़्यादा दिख रहा है, और 449 तो मंत्री जी ने सदन में कह ही दिया है, उस समय खाली था, उसके बाद भी लोग रिटायर किए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद सीट का एडिशन होगा इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अंतिम बार जो आया था टोटल सीट इतना था 542 का, और ये भी 5/2019 में आपको दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये 2015 से 2-3 बार रिवाइज हो करके, कैंसिल हो करके तब बढ़ा था। 29 से आप देखेंगे तो मतलब 19 से तो ये बहुत ज़्यादा 5 साल तो हो चुका है, सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। पिछली बार 2019 में भी अंतिम जो कार्यकाल का समय था उस समय वैकेंसी आई थी, तो 5 साल में तो आना ही चाहिए, कम कम करके भी दिया जाता तो भी अभी तक एक दो मौका मिलता आपको देखने का। लेकिन झारखंड की दुर्दशा यही है कि यदि आप BTEC किए हुए हैं या कोई खास करके इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आपको अपने जीवन काल में 2 ही मौके मिलेंगे, जूनियर इंजीनियर का 2 मौका मिलेगा, नसीब ठीक रहा तो, एक का तो बहुत नसीब ठीक रहा तो 2 मौके मिलेंगे। तो 2013 में रिक्रूटमेंट हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, 13 में, फिर 2019 में, अभी 19 से भी आप जोड़ लीजिए 24 हो गया, सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है 29 दिसंबर 2024 को, 5 साल पूरा हो जाएगा, तो उससे पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन दबाव बनाया जाए तो उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकती है। हमने बहुत सारा RTI किया अलग अलग विभाग में, तो वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले समय में एग्जैक्ट सीटों की संख्या बता दी जाएगी हमारे पास, जब ऑफिशियल लेटर रहेगा इतनी सीटों की संख्या है, तो दबाव बनाने में, रिक्वेस्ट करने में, बात पहुंचाने में और भी सुविधा होगा, उसके बाद सामने वाले के पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि यदि आप अभी किसी पुराने असिस्टेंट इंजीनियर से पूछेंगे कि कितना सीट है सर, आएगा कि नहीं आएगा, या फिर किसी और से भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं अभी भरा हुआ है कैसे आएगा, लेकिन मुँह से बोलना और एक लिखित रूप में साक्ष्य होना अलग बात है। यदि हमारे पास लिखित रूप में साक्ष्य होंगी जैसे अभी एक दो विभाग की है, तो फिर और सुविधा होगा वैकेंसी को जल्दी निकलवाने में। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन भी बीच बीच में किया जाता है, मेल भी किया जाता है, सारा फॉर्मेट सारा लिखा हुआ, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, सब आपको पता चलेगा। तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बस ये लिख लेना JPSC@JPSC_AE_2024, ठीक है, ये लिखिए, या फिर आप सीधा लिखिए JPSC AE 2024, आपको दिखेगा, आप उसमें ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह का आपको यहाँ पे दिखेगा, देख लीजिए ऐसे दिख रहा है। अब जो ट्वीट किया जाता है तो कुछ कुछ हैंडल्स पे ट्वीट करना होता है, वो आपको सब वहाँ पता चल जाएगा। कुछ कुछ पोस्टर्स भी हमने बना के रखा था तो वो आपको थोड़ा सा बस दिखा देता हूँ। जैसे JPSC आपकी नींद कब खोलेंगे, झारखंड के इंजीनियर बेरोजगारी से त्रस्त हैं, सहायक अभियंता भर्ती में देरी करके आप आग से खेल रहे हैं, सारे इंजीनियर्स की तरफ से चेतावनी है, हमारी मांग पूरी करें नहीं तो आगामी चुनाव में अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो आगामी चुनाव है, अब आप बोलेंगे कि अभी क्या दबाव बनाना सही है, जी हाँ बहुत सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब आप दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर उधर से भी सामने वाले को भी लगेगा चल रहा है सब ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि झारखंड की दुर्दशा आप जान रहे हैं, हर वैकेंसी में बहुत डिले किया जाता है, खास करके नॉन टेक वाले में तो कभी कभी दे दिया जाता है, लेकिन इंजीनियर्स की वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि संख्या बहुत कम है, ऊपर से आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो आपको अपने लिए ही करना होगा। तो आप हमारा साथ दीजिए, जैसे जैसे हम सब करेंगे तो वैसे आप उसमें सहयोग करेंगे तो फिर आने वाले समय में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये कुछ पोस्टर्स हैं, आप देख लीजिए, सारा पोस्टर वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के साथ दे सकते हैं एक दूसरे का। अब आप बोलेंगे कि
क्या अभी ही करना है? तो जी हाँ, अभी ही करना है। देखिए अभी कितना हो गया, शायद 26 तारीख हो गया, 26 जून, ठीक है, 26 जून हो गया, 29 दिसंबर 2024 को 5 साल सरकार का पूरा हो जाएगा। अब 29 दिसंबर से पहले 45 दिन आप पकड़ के चलेंगे, तो दिसंबर से पहले आपका नवंबर, तो अक्टूबर लास्ट तक, अक्टूबर मतलब अक्टूबर में ही समझ लीजिए, कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो सेफ साइड में अक्टूबर लेके चल रहे हैं, तो अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगेगा। अभी कुछ दिन में नगर निकाय का भी चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए भी आचार संहिता लगेगा। लेकिन उससे पहले यदि हमारा रिक्रूटमेंट नहीं आया, तो उस समय सारे नेता, सारे मंत्रीगण इलेक्शन कैंपेनिंग में बिजी होंगे। और आपको ये जानकर आश्चर्य क्या, आप इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे, जब सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला होता तो सरकार डर जाती है। डर जाती है मतलब कि वो जनता की मांगों को थोड़ा सा ठीक ठाक से सुनती है। तो अभी सरकार आपके द्वार तो आएंगे ही वोट मांगने के लिए, यदि आप जाएंगे तो अभी वो डिनाई नहीं करेंगे, वो अच्छे तरीके से आपसे भेंट मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तो यदि हम सब अभी अच्छे तरीके से आवाज़ उठाते हैं तो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यदि अभी डिले हो गया, आने वाली सरकार किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन 2025 में यदि कोई सरकार बनेगी तो सरकार का कार्यकाल 2030 में ख़त्म होगा। तो जनता भूल जाती है, जनता क्या बोलती है, मानव का प्रवृत्ति है कि मानव भूल जाती है कुछ समय में। यदि उन्होंने 2025 में ही यदि रिक्रूटमेंट दिया तो 30 तक तो हम ही भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। तो वो तो उस समय देगी जिस समय उनको फ़ायदा होगा, तो उनको फ़ायदा 2029 में देने से है उस समय। लेकिन यदि वो अभी देती है तो अभी उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। अभी बहुत कॉम्पिटिशन है पॉलिटिक्स में, तो एक दूसरे से जो कॉम्पीट कर रहे हैं अलग अलग पार्टी, तो वहाँ पे यदि हम डिमांड करेंगे जो भी अभी सत्ता में है यहाँ पे सरकार से कि हमें वैकेंसी दीजिए, हम सब आपके सपोर्ट में रहेंगे, ठीक है, वो वैकेंसी देगी तो सब कोई सपोर्ट में ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि समय अनुकूल है, यदि आप अभी डिमांड करेंगे, हम सब अभी डिमांड करेंगे तो वैकेंसी आ जाएगी। तो जल्द से जल्द यदि अभी वैकेंसी आ जाती है तो वैकेंसी दे करके मतलब बीज बो के फल दूसरे को खाने को तो ये नहीं देंगे, तो कोशिश करेंगे कि इस कार्यकाल में कम से कम पीटी ले ले, उसके बाद प्रोसेस बढ़ा दें, प्रोसेस कोई भी पूरा करेगा तो वो हो जाएगा। इसलिए हमें करते रहना है, तो हैशटैग यहाँ पे काम कर ही रहा है, हैशटैग जे रिलीज़ JPSC AE नोटिफिकेशन, तो इस तरह करके आपको टेलीग्राम चैनल में सब कुछ दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ये है, ठीक है, रिलीज़ JPSC AE वैकेंसी, ये हैशटैग चल रहा है काफ़ी दिन से, तो इसमें आप ट्वीट करिए। उसके बाद मेल भी करना पड़ता है, राइट टू CM भी करना पड़ता है, CM के पोर्टल पे अपना डिमांड रखना पड़ता है, बीच बीच में ऑफिस विजिट करते रहना पड़ता है, मंत्री विधायक से भी विजिट करते रहना पड़ता है। यदि हमें लगा कि मुख्यमंत्री साहब से मिलने के बाद ही कुछ होगा तो हम वहाँ भी मिलेंगे। तो आप जहाँ कहीं भी हैं सहयोग करिए, मेल करिए, ट्वीट करिए, वैकेंसी ला कर रहेंगे इसी साल, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो उन सारे कैंडिडेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करिए। जनरली तो मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी आपके सहयोग की हमें ज़रूरत है। आप सहयोग करेंगे तो वैकेंसी जल्दी आएगी, वैकेंसी जल्दी आएगी तो सबको फ़ायदा होगा, इसलिए आप सहयोग करिए, दबा के वीडियो को भी शेयर करिए और इस कैंपेनिंग में हमसे जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, वहाँ पे आपको सारा चीज़ पता चलेगा हर समय, ठीक है। इस तरह का आप शेयर करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, JPSC AE 2024, ठीक है। उसके बाद आगे की वीडियो में आपको सब बता दिया जाएगा कैसे झारखंड में ऑनलाइन RTI नहीं होता है तो ऑफलाइन किया जाता है, तो ऑफलाइन भी कैसे करेंगे, राइट टू CM कैसे लिखेंगे, कैसे लेटर लिखेंगे, कैसे ट्वीट लिखेंगे, हर चीज़ आपको पता चलेगा वहाँ पे, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद यदि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, हर जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। आप आइए हमारे साथ, सहयोग करिए और इस वैकेंसी को निकालने के लिए हम सब लगे रहेंगे। अब शुरुआत हो चुका है, अंजाम तक जाएंगे, ठीक है, थैंक यू।